मॉर्निंग क्लास एट स्टूडेंट, आज मैं आपको साइंस में 15 चैप्टर सम नेचर फिनोमिना उसके बारे में रीड करवा रही हूँ। इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। 7 क्लास में अपन ने हवा, चक्रवात, तूफान इसके बारे में पढ़ चुका है। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप जानते थे, पढ़ा है, चक्रवात क्या करता है, डैमेज कर देता है मानव जीवन को और उसकी संपदा को। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंस। आपने प्रोटेक्ट करा है डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, मतलब कुछ इस फिनोमिना के द्वारा हम इस चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचर फिनोमिना। हम इस चैप्टर में कुछ और, जैसे अपन ने साइक्लोन के बारे में तो 7 में डिस्कस कर लिया था, लेकिन 8 क्लास में हम कुछ और नेचुरल फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ये क्या है? लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना और लाइटनिंग यानी तड़ित और अर्थक्वेक भूकंप। वी शैल ऑल्सो डिस्कस दैट स्टेप वी कैन टेक अ मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज बाय दिस फिनोमिना। हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप से, हम मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज बाय दिस फिनोमिना। इसके द्वारा क्या डिस्ट्रक्शन होता है या विनाश होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा लाइटनिंग या तड़ित। तड़ित बोलते हैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में लाइटनिंग बोलते हैं, जब बिजली चमकती ना उसको। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन द वायर बिकम लूज। आपने देखा होगा स्पार्क होता है, चिंगारी निकलती है जब इलेक्ट्रिक पोल बिजली के खंभे पे वायर लूज हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ये कॉमन होता है जब हवा बहती है और वायर थोड़े से हिलते हैं, शेकिंग होते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज एंड इट्स सॉकेट्स। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। आपने देखा होगा स्पार्क होता है जब प्लग लूज होता है इसके सॉकेट से। लाइटनिंग इज ऑल्सो, जो तड़ी थे वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बिजली से उत्पन्न वाले चिंगारी है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। कभी देखो तार टच होते तो जरा सा चट-चट की आवाज़ आती है और स्पार्क दिखता है, लेकिन जो लाइटनिंग है तड़ी थे वो यूज बड़े पैमाने पे होने वाला इलेक्ट्रिक स्पार्क है। इन एशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। पुराने समय में पीपल नहीं जानते थे कि ये क्यों होता है। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द वर्थ ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम। वो क्या समझते थे कि जो भगवान है वो नाराज हो रहे हैं और हमें देख रहे हैं। नाउ ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग कॉज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि ये जो लाइटनिंग है वो चार्ज के कारण हो रही, क्लाउड में विपरीत आवेश के कारण हो रही। वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, तो हम घबराते नहीं हैं, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, परंतु हम कुछ सावधानियां बरतते हैं टू प्रोटेक्ट ओवरसेज फ्रॉम द डेडली स्पार्क, हम इससे बच सके, ठीक है, क्योंकि अगर किसी पे गिर जाती है तो मर जाता है। द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। ग्रीक क्या जानते हैं इसके बारे में? द एंशियंट ग्रीक न्यू वॉज अर्लियर 600 BC दैट द वैन अम्बर वॉज रब्ड विथ फर। मतलब एंशियंट ग्रीक में वो जानते थे 600 ईसा वर्ष पूर्व कि जब अंबर होता है उसे रब करते फर से। अंबर का एक प्रकार का रेशम है, रेजिन है। इज अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जैसे कि बालों को। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक टू कॉफ वोलन और पुलिस्टर क्लॉथ यूर हेयर स्टैंड ऑन एंड। आप देखेंगे कि अगर वूलन का या पुलिस्टर के कपड़े आप पहनते तो आपके हेयर उस पर हेयर कैंड उस पर चिपक जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ इन द डार्क यू एवन सी ए स्पार्क एंड हेयर ए क्रिकिंग साउंड। अगर आप इसे डार्क में ले जाएंगे अंधेरे में तो आपको एक स्पार्क दिखेगा।
और क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। इन 750 बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ आर एसेंशियल द सेम फिनोमिना। अब इसी तरह अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या देखा, लाइटनिंग और स्पार्क देखा उनके क्लॉथ पे। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर फॉर दिस रिलेशन टू अक्योर। 2000 ईयर में किस तरीके का उन्हें पाया। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। हम अब देख चुके हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज के। हम चाहते हैं कि कैसे रिलेटेड होता है लाइटनिंग स्काई में। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज गेम। चलो कुछ परफॉर्म करते एक्टिविटी को इलेक्ट्रिक चार्ज की, बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड अ गेम। तो चलो अपन एक गेम खेलते। वेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर। जब आप क्या करोगे, प्लास्टिक स्केल को रब करोगे अपने सूखे बालों पे। आप एक स्केल लेते हो, उसको अपने सूखे बाल जिसमें तेल नहीं लगा हो उस पर रब करके कहाँ ले जाते हो, कागज़ के टुकड़े के पास, तो वो क्या करता है उसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत बच्चे करते हैं। वेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विथ पोलिथीन। जब एक प्लास्टिक की रिफिल को अपन पॉलीथीन से रब करते हैं, इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करती। सिमिलरली वेन ए प्लास्टिक कोम इज रब विद ड्राइड एयर, इट एक्वायर्स ए स्मार्ट चार्ज। इसी तरीके से जैसे प्लास्टिक का कोम रहता है उसे आप सूखे बालों में रब करते हैं तो ये भी स्मॉल चार्ज होता है। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अपन चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम पॉलीथीन एंड हेयर इज ऑल्सो गेट चार्ज। ये प्रोसेस होता है जिसमें रिफिल चार्ज हो जाती है और प्लास्टिक कोम पॉलीथीन और हेयर से चार्ज हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में रिफिल चार्ज हो जाती है और प्लास्टिक का कोम और पॉलीथीन और हेयर ये भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट टू द फेमिलियर टू यू। अब जैसे इसमें आपको बताया है टेबल में कि क्या अट्रैक्ट होगा क्या अट्रैक्ट नहीं होगा, टेबल बता रहा है ना। ये टेबल में क्या बोल रहा है आपको कि रिफिल है पॉलीथीन वुलन क्लॉथ अट्रैक्ट होगा, यस। इसमें क्या जाएगा, यस। बलून है इसमें भी यस आएगा। इरेजर और वूल, नो। स्टील स्पून, नो। ठीक है, तो इसमें यस या नो भरना था, कौन सा चार्ज होगा कौन सा चार्ज नहीं होगा। या आप घर पे करके देखना और फिर इसको फिलअप करना। अगला है टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। क्या चार्ज होता है टाइप के और क्या उसके इंटरेक्शन होते हैं। वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 टू नेक्स्ट एक्टिविटी। 15.1 नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे। इन्फ्लेट टू बलून, हैंग देम इन सच वे दे डू नॉट टच इच अदर। हम दो बलून को एक दूसरे से नहीं टकराते हुए इस तरीके से हैंग करेंगे। रब बोथ द बलून विथ अ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। इन दोनों को हम